जस्ट बिकॉज कोई खूबसूरत लड़की तुम्हारी तरफ मुस्कुराती है उसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि तुम उसे शादी कर लो मैन। लिव लाइफ बिग साइज। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इट। आफ्टर वो हमारी इकलौती बेटी है। हमारे ख्याल पुराने नहीं हैं, दकियानुसी नहीं है, फिर भी ये मान लेना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। टेल मी, अगर आप मछली खरीदने जाएंगे तो आप मोटी मछली खरीदेंगे या पतली? साइज मैटर्स। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझाता हूँ। दरअसल ये मेरी कहानी है, शुरू से बताऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए 9 जुलाई 1996 से शुरू करते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दिन मेरे लिए इतना खास है। कैसे हैं साहब? बड़ी ना का आप आराम से बैठिए। नहीं, आपको तकलीफ हो रही थी सो आई थॉट। नो नो, आई एम वेरी कंफर्टेबल। आपको पहले कभी इस बस में तो मैंने नहीं देखा। एक्चुअली मैं पहली बार इस बस में ट्रैवल कर रही हूँ। इज समथिंग रॉन्ग? आप इतना टेंस क्यों लग रही? आई एम सॉरी, मैं ठीक से बात नहीं कर पा रही, बट एक्चुअली आज मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। I am really scared about it. Why? इसमें नर्वस होने की कोई बात ही नहीं है। इन इंटरव्यूज में डरने वाली कोई बात ही नहीं होती। Trust me, मैं रोज एक तो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कर ही लेता हूँ। It's no big deal. Really? आप इंटरव्यूज करते हैं? Listen, you have to help me. मुझे इंटरव्यू कीजिए, जैसे कि मैं आपके पास नौकरी के लिए आई। अपना बायोडेटा दिखाइए। हाँ तो मिस ऋतु मल्होत्रा। Yes, sir. आप एक साइकोलॉजी ग्रेजुएट हैं, राइट? Yes, sir. तो ट्रैवल में क्यों आना चाहते? ट्रैवल नहीं, एडवर्टाइजिंग। सॉरी, एक्चुअली मैं ट्रैवल में हूँ इसलिए एडवर्टाइजिंग, राइट? तो एडवर्टाइजिंग में सडन इंटरेस्ट कैसा? वेल, साइकोलॉजी हैज ऑलवेज बीन माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने साइकोलॉजी बैकग्राउंड को मैं एडवर्टाइजिंग में अप्लाई करूँ। आफ्टर ऑल एडवर्टाइजिंग इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर्स माइंड। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ ऋतु, क्या तुम एक पूरा, आई रिपीट, एक पूरा सिज़्ज़ला खत्म कर सकती हो? क्या ये कैसा सवाल है? बोलो, कुछ भी पूछ सकते हैं। अच्छा, वेल सर, पूरा तो नहीं मगर आधे से ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन माय एपेटाइट। ओके, और तुम्हें सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद? इटालियन काफी पसंद है मुझे। इटालियन? ग्रेट, तुम्हें ये नौकरी जरूर मिलेगी। लो, ये कैसा इंटरव्यू था? अरे यही तो मैं कह रहा हूँ ऋतु, ऐसे ही होते हैं इंटरव्यूज, यहाँ वहाँ की कुछ बातें पूछ लेते हैं बस, और तुम बेकार में घबरा रही थी। यू मेक इट, ट्रस्ट मी। मेरा बस स्टॉप आ गया, प्रे फॉर मी। ओके, बाय बाय। तुम्हारा नाम क्या है? नील फर्नांडिस। बाय नील। बाय नील। ऋतु, मुझे वो नौकरी मिल गई। कॉन्ग्रेट्स। 5 दिनों में ज्वाइन करना है, इज़न्ट दैट ग्रेट? अच्छा, मैं सिर्फ तुम्हें यही बताने के लिए आई थी, मुझे नेक्स्ट बस स्टॉप पर करना है। बस अगले स्टॉप पर? ओके, उसके बाद वाले स्टॉप पर। व्हाट्स द बिग डील? सर ऋतु, अब तो तुम रोज मिलोगी। यस सर। बाय द वे, उन्होंने मुझसे खाने के बारे में कुछ नहीं पूछा। एक वाली ना। मैडम ठीक है। How are you? Fine. Nice, sir. Fine. Nice. चाय बहुत अच्छी है। देखा साहब आप लोगों ने, ये दोनों रोज इसी तरह से मिलने लगे, यहाँ तक कि वो जो सीट है ना वो भी मैं इनके लिए रिजर्व करने लगा था। लगता है दोनों के बीच में जोर का लफड़ा चालू है, क्या बोलते हैं?
मित्रो मैडम बुला रहा है आपको। आगे वाले स्टॉप पे उतर जाओ। गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टॉप। गेट ऑफ एट द नेक्स्ट स्टॉप। ये सब क्या था? मैंने आज टैक्सी कर ली तो मैंने सोचा तुम्हें भी ऑफिस छोड़ दो। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो नील। मतलब? मेरी आदतें जो बिगाड़ रहे हो, बाद में तुम्हें ही रोना पड़ेगा। ऋतु आज शाम को कॉफी के लिए चलें? ओके, मैं तुम्हें शाम को फोन करूंगी। ग्रेट। एक तंदूरी चिकन फुल, थोड़ा ज्यादा तीखा, उसके साथ हरी चटनी और प्याज डालना नहीं भूलना। बस अब मैडम का ऑर्डर ले लो। ऋतु तुम वन चिकन फिर सूप। Neil, I must show you something. ये कौन है? रोहित, मेरे बचपन का दोस्त, दिल्ली में रहता है। कैसा है? कैसा है मतलब? ठीक है, इंसान का बच्चा लगता है। मेरा मतलब था कि एक्चुअली इसके पेरेंट्स चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर लें। एक दूसरे से? Obviously, Neil. अब मुझे डिसाइड करना है। बताओ ना कैसा है? बहुत अच्छा है। It's quite nice, यार। अच्छा Neil, tell me something. तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। सच? क्यों मजाक उड़ा रही हो? क्यों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती क्या? मेरा साइज देख रही हो? ऐसे लोगों को मोटे कहते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हुआ करते। कम ऑन नील, तुम हमेशा खुद को रन डाउन करते हो। तुम इतने अच्छे। ऋतु प्लीज स्टॉप इट। अरे अगर तुम मुझे दिखने में अच्छे लगते हो तो इसमें तुम्हारी। ऋतु क्यों मेरा मजाक उड़ा रही हो? मुझे पता है कि मैं मोटा हूँ और बदसूरत हूँ, फिर भी बार बार। नील, मैंने तुम्हें जब से जाना तुम मुझे अच्छे लगे, बहुत अच्छे। लेकिन अगर तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है तो वेल मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों मुझे बार बार इस बात का एहसास दिलाना चाहते हो कि मैं तुमसे बिल्कुल अलग हूँ? क्योंकि ये सच है। मुझे पता नहीं तुम इस वक्त इतने गुस्से में क्यों हो, लेकिन सच बात ये है कि तुम मेरी जगह में नहीं हो। तुम मुझे अपने करीब क्यों नहीं आने देते? क्या क्या गलती है मेरी? बस इतनी कि मैं पतली हूँ? कहाँ जा रही हो? जहन्नुम में। बैठ जाओ, अपना सूप तो पी लो, साथ में निकलेंगे। नो थैंक्स नील, मैं अकेले ही चली जाऊंगी और तुम भी अकेले ही जाना। वैसे भी तुम्हें मुझसे ज्यादा अकेलापन पसंद है। ऋतु नील, मुझे तंग मत करो। कल तुम ये फोटो रेस्टोरेंट में भूल आई थी। ऋतु मुझे तुमसे कुछ कहना है। नील प्लीज स्टॉप ट्रबलिंग मी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुमने मुझे समझ के क्या रखा? शादी करोगी क्या? विल यू मैरी मी? कम ऑन शिफ। चलो 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 चलो। अरे जल्दी आना है क्या? अरे मैं क्या कर रही हो? मैं जरूरी खबर पढ़ रहा था। इतनी बड़ी हो गई लेकिन बचपना गया नहीं अभी। खबर गई भाग। ये लीजिए। ठीक है, मुझे रोहित से शादी नहीं करनी। क्या कहा तुमने? तुम रोहित से शादी नहीं करोगी? नहीं तो मत करो, अपना क्या जाता है। ये बात तो तुम पहले भी कह चुकी हो। मुझे कुछ और भी कहना है। मैं किसी से प्यार करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। क्या? तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं कही? तुमने क्या सोचा? हम तुम्हें मना कर देते। देखो बेटा, तुम्हें तो मालूम है हमारे ख्यालात वैसे नहीं, फिर हमसे छुपाया क्यों? मामला बहुत सीरियस तो नहीं ना? इट्स वेरी सीरियस डैडी। इट्स वेरी सीरियस। फिर उसका कोई नाम भी तो होगा। नील, नील फर्नांडिस क्रिश्चियन। तो क्या हुआ नीला? देखो मैं जात पात ऊंच नीच भेदभाव में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। बस आदमी अव्वल दर्जे का होना चाहिए, वो है ना? है डैडी। करता क्या है? कमाता तो है ना? बेकार तो नहीं ना? ओ डैडी ट्रैवलिंग में है, हाई पोजीशन पे तो नहीं, लेकिन जल्दी उसकी प्रमोशन होने वाली है। Well, that's good. देखो बेटा, अगर वो तुम्हें खुश रख सके तो हमें बहुत खुशी होगी। क्यों? डोंट वरी मामा, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। बस तो फिर डिस्कशन के लिए कोई गुंजाइश नहीं। अब बताओ कब मिलवा रही हूँ? ऐसा करते हैं, उसे हम घर पे डिनर पे बुला लेते हैं। आई जस्ट कांट वेट टू सी हिम। आखिर मैं भी तो देखूं
कि मेरे रितु ने किसको पसंद किया है। अब जल्दी तैयारियां शुरू करनी पड़ेंगी। सॉरी माय डार्लिंग। मामा चलो उठो। मामा मामा चलो मामा उठो, बिस्तर में सो जाओ। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? आज ऑफिस में थोड़ी देर लगी। कल अंकल बिली, आंटी सारा और बच्चे आ रहे हैं ना डिनर पे। मैंने लिस्ट बनाया है, वो ड्रेसिंग टेबल पे है। हाँ माँ, मैं कल सुबह सब कुछ ले आऊँ। जल्दी आ जाओ। चलो अब सो जाओ। फ्रेश क्रीम जरूर लाना। मामा कल डिनर पर मैं एक दोस्त को बुलाऊं? श्योर मैम। उसका नाम रितु है। शी इज वेरी स्वीट। वो आपको बहुत पसंद आएगी। I'm sure you. ये तुम हो नी? बचपन में तो तुम बहुत क्यूट लगते थे और अभी। अच्छा। गुड इवनिंग लूपिता। आप लोग मेरे दोस्त से नहीं मिले। रितु, ये है अंकल बिली। हेलो अंकल। आंटी सैरा। हेलो आंटी। और मेरे प्यारे कजिन क्रिस एंड बॉब। हाय क्रिस। हाय बॉब। लूसी मेरी बहन है और बिली मेरा बड़ा भाई है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ लूसी, तब तक अंकल बिली तुम्हारे साथ बातें करेंगे। माय सैरा। लूसी अब सिगरेट बंद करो, बहुत हो गया है। तुम ये मच्छी कहाँ से लाई? जिमी के घर जा रही थी, रास्ते में फिश मार्केट पड़ता है। इस फिश को देखकर मुझसे रहा नहीं गया। साइज देखा है? फ्रेश हाँ। मैंने सोचा सब मिलकर डिनर पे खाएंगे, मैं बनाऊंगी। नहीं नहीं मैं बना लूंगी। तुम जाओ सबके साथ बाहर बैठो। नील की फ्रेंड को मिली? हाँ अभी तो मिली, बहुत सुंदर है। रितु नाइस नेम ना। अच्छा तुम सिर्फ ये मच्छी को काट दो। इन द मीन टाइम आई विल गो एंड आस्क देम इफ दे वांट समथिंग टू ड्रिंक। कैसे काटू? थिक स्लाइसेस इतने। ओके। गिव मी लैंड, लॉट्स ऑफ लैंड अंडर स्टारी स्काइज अबव। डोंट फेंस मी इन, लेट मी राइड थ्रू द वाइड ओपन कंट्री दैट आई लव। तुम्हारी मामा तो ज्यादा ही अच्छा खाना पकाती है। नहीं फायदा क्या है, तुम खाती इतना कम। कम आई जस्ट कांट वेट टू बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली। कितने प्यारे हैं ये लोग। चलो हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। क्या तुमने अपनी मामा से बात की? तुमने अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया? ना। कब बोलोगे? रितु इट्स नॉट दैट सिंपल यार। देखो नहीं मैंने भी तो अपनी फैमिली को सब कुछ बोल दिया, तो तुम क्यों नहीं बोल सकते? रितु तुम मामा को नहीं जानती। तुम्हारी मामा बहुत स्वीट है और तुम, आई नो यू जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस। मैं एक्सक्यूजेस क्यों बनाने लगा? मुझे शादी नहीं करनी है। तो जल्दी कर लेते हैं ना नी। देखो तुम अभी जाकर अपनी मामा से कह दो, कभी ऐसे, और मैं भी तो हूँ। रितु मामा सारे घर को अपने सर पर उठा लेगी। ठीक है अगर तुम जाकर नहीं कह सकते तो मैं जाकर। नहीं मैं खुद ही जाता हूँ। ठीक है चलो। यू आर माय सनशाइन, माय ओनली सनशाइन। यू मेक मी हैप्पी व्हेन स्काइज आर ग्रे। यू विल नेवर नो डियर हाउ मच आई लव यू। प्लीज डोंट टेक माय सनशाइन अवे। द अदर नाइट डियर I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms.
When I awoke, dear, I was mistaken. So I hung my head and cried, whoop, 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 you are my sunshine. My only sunshine. You make me happy when skies are gray. मामा, you never know, मुझे तुमसे कुछ कहना था। अरे मेरा बच्चा अपनी मामा को क्या कहना चाहता है? मामा, तुम्हें ऋतु कैसी लगती है? बहुत प्यारी लगती है। क्यों? मुझे भी वो बहुत अच्छी लगती है। मामा, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्यों मामा वो? I said no, Neil. No, she likes you so much. तुम भी तो उसे इतना पसंद करती हो। मामा, I love her. You love her? What does that mean, Neil? ऐसी बातें करना कहाँ सिखाए तुमने? मामा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करूं मैं तुम्हारी मम्मा हूं नील, और मैं कहती हूं कि इस लड़की के साथ तुम शादी नहीं कर सकते हो। नाउ डू यू अंडरस्टैंड यंग मैन? मामा, मैं ऋतु से ही शादी करूंगा। मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो नील? तुम्हारी मम्मा से? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तुमने सिखाया होगा मेरे बच्चे को ये सब कहने को, राइट? मां, तुम उस पर क्यों चिल्ला रही हो? मुझसे बात मत करो नील, गेट आउट ऑफ माय वे। तुमने क्या सोचा कि बेचारा नील भोला है, स्टूपिड है, तो तुम उसे फंसा लोगी? मेरे बच्चे को तुम जैसी लड़कियों से बचाना मैं जानती हूँ। खबरदार, आज के बाद नील के साथ बात की तो। लूसी, लूसी, बैठिए ना, बैठिए, calm down now. No, Billy, what does she think of herself, man? कैसे घर से ये आती है? इतनी देर तक बाहर है रात को, और उसके पेरेंट्स को कोई चिंता नहीं है उनकी। Get out of here! तुमने क्या सोचा कि रात के 12:30 बजे में तुम्हें अकेली ही घर जाने दूंगी? इस घर में ये सब नहीं चलता है। नील तुम्हें छोड़ाएगा। नील, तुम मुझसे छोड़ाओ और वापस जल्दी आओ। देखा सारा? देखा? मत रो, नहीं रोते। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता है। Ritu, come on, don't cry. क्या होगा नील? तुम्हारी मामा तो मुझसे नफरत करती है। ओ रितु, तुम भी। मामा तो हर किसी से नफरत करती है। I don't find hard to believe right now. दिल की बहुत अच्छी है। अब हमारी शादी नहीं हो पाएगी नील। हाँ, जरूर होगी। तुम इतना बुरा क्यों मान रही हो? मैंने तुम्हें अपनी मामा के बारे में बताया था ना? बोलो, बताया था ना? मैंने बहुत रोमांस देखा है आप उनके लाइफ में, मगर ये जोड़ी, लड़का इतना जाड़िया और लड़की हिरन के माफिक, मैं कहता हूं नहीं जमेगा। अंकल, बिली कहाँ है? मुझे पता था कि तुम आते ही बिली के बारे में पूछने वाले हो, क्योंकि जब भी तुमने कुछ गलत किया है ना, तब बिली ने तुम्हें बचा रखा है। शेमन, he spoiled you rotten. मैंने उन लोग को घर भेज दिया है। ठीक है मामा, बोलो क्या कहना है तुम्हें? तुम कल से काम पे नहीं जाओगे। क्या? तुमने ठीक ही सुना। जब से तुमने काम करना शुरू किया है, उसी दिन से मैं डरने लगी थी, और आज वो डर सच निकला। बाहर की दुनिया ने तुम्हें बिल्कुल बदल दिया है नील। तुम आज अपनी मम्मा से नहीं प्यार करते। कैसी बातें कर रहे हो मम्मा, बेकार में। तुम इस घर से एक कदम बाहर नहीं जा सकोगे। तुम हमेशा यहाँ ही रहोगे अपने मम्मा के साथ। मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो तुम्हारा घर ये किचन कैसे चलेगा? तुम्हारे सिगरेट्स और ड्रिंक्स कहाँ से आएंगे? ऐसा भी तो नहीं है कि जिस आदमी से तुमने शादी की उसे कभी हमारी परवाह थी या कभी होगी। सॉरी, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। आई डिडंट मीन दैट। तुम ठीक ही कह रहे हो नील, हम दोनों हमेशा अकेले ही रहे ना। मैं तुम्हें नहीं खो सकती थी। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। चलो ना यार, मत रो मम्मा, मैं कहाँ जा रहा हूँ? यू नेवर लूज मी। हम कहाँ जा रहे हैं? मेघना के घर। हम अकेले नहीं बैठ सकते? नहीं,
मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दोस्तों से मिलो। क्यों रितु, मुझे बहुत अजीब लगता है। कुछ अजीब अजीब नहीं लगता, इनफैक्ट वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं। एवरीबडी स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे गाइस, मेरे बॉयफ्रेंड को देखने के लिए मर रहे थे सबके सब, अब उससे बातें भी तो करो। नील, तुम लड़कों के साथ बैठो, आई विल गेट सम केक। ओके, नो नो नो, यू वेट हियर विद मी प्लीज, मुझे बहुत अजीब लगेगा। कम ऑन नील, इनसे दोस्ती तो करो, मैं अभी आ रही हूँ। हेलो नितिन, यू नो रितु, मैं सिर्फ तुम्हें एक फ्रेंड की हैसियत से कह रही हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि नील और तुम बहुत ज्यादा अलग हो? नहीं तो, आई मीन ही इज अ फैट। मेघना, गिव अ बिग पीस फॉर नील, उसे केक्स बहुत पसंद है। एक गाना हो जाए यार। नहीं, मुझे गाना नहीं आता। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो नील, हमें ऋतु ने सब बता दिया कि तुम बहुत अच्छा गाते हो और गिटार भी बजा लेते हो। हमारे लिए नहीं यार, ऋतु के लिए ही गा दो प्लीज। प्लीज यार, गाओ ना नील। Well, I know it's kind of late, I hope I didn't wake you. What I've gotta say can't wait, I know you'd understand. Every time I try to tell you, the words just came out wrong. So I had to say I love you in a song. Yeah, I know it's kind of strange. Every time I'm near you, I just run out of things to say. I know you'd understand. Every time I try to tell you, the words just came out wrong. So I had to say I love you in a song. Every time the time was right, all the words just came out wrong. So I had to say I love you in a song. रितु, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। नील, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखवाई और तुम मुझसे ही नाराज हो। तुम्हें उन लोगों को मेरे गाने के बारे में कहने की क्या जरूरत थी? क्यों? क्या मैं अपने दोस्तों के सामने अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ नहीं कर सकती? I was just showing you off. और वैसे भी अगर वो लोग तुम्हें गाने के लिए फोर्स नहीं करते तो शायद तुम मुझे कभी भी आई लव यू नहीं कहते। एक्चुअली नील, अब मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? तुम मुझसे क्यों नाराज हो? क्योंकि तुमने आज तक मुझे आई लव यू नहीं कहा ना। गाने में इतनी बार तो कहा है मैंने। गाने में कहा ना, वैसे तो नहीं कहा। रितु, तुम जानती हो मैं ऐसी बातें आसानी से नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम कहो। नील, आई लव यू। मुझे सुनाई नहीं दिया नील। I love you. जोर से कहो नील। I love you. और जोर से। I love you. खाली पीली चिल्लाता गायक है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to I'm sorry. गुस्सा मत होना, मैं एक दोस्त के यहाँ गया था। दोस्त के यहाँ? इतने साल तक कोई तुम्हारे दोस्त नहीं हुआ करते थे।
याद करो नी, इतने साल तुम्हारे बर्थडे पे कौन मैं तुम्हारे साथ रहता था, कौन तुम्हें प्यार करता था, तुम्हारे दोस्त? मैं भूल गया था कि तुम भूल गए थे। मुझे तो ये लगता था कि तुम्हारी मम्मा ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, और आज अचानक ऐसा भी नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि ये दोस्त कौन है। मम्मा प्लीज, मैं ये साफ कर देता हूँ। 250 ग्राम मैदा, 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 400 ग्राम बटर, 3 टेबलस्पून आइसिंग शुगर। गेस व्हाट मम्मा, मैंने वहां डिनर नहीं खाया। रियली? क्यों नहीं खाया? कैसे लोग हैं ये, खाना खिलाए बिना मेरे नील को घर भेज दिया। उनके घर खाना नहीं बनता है क्या? बनता है मामा, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ डिनर करना था। मुझे तो पता ही था मेरा नील मुझे कभी नहीं भूल सकता। शेमन, तुम अपने बर्थडे पे इतना कम नहीं खा सकते। और नहीं होगा मुझसे माम, बस ना सा। नील आ गया। नमस्ते। नमस्ते। और लो ना बेटा। नहीं बस, आई एम डन। हाँ, ये कैसे हो सकता है इतना कम? शर्माओ नहीं नील बेटे, आई एम श्योर तुम अपने घर में तो इससे बहुत ज्यादा खाना खाते होगे, नहीं? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि इतना मोटा है? मैंने जरूरत नहीं समझी। क्या तुम इतनी सुंदर, और वो रितु, कल रात के लिए आई एम सॉरी। क्यों, क्या हुआ था कल रात? लुक, आई नो योर पेरेंट्स डिडंट लाइक मी। ऐसी कोई बात नहीं है नहीं, रितु, मैं वेट लूज करने की कोशिश करूं? नहीं, उनकी अप्रूवल पाने के लिए तुम्हें कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं। शादी मुझे तुमसे करनी है, और तुम जैसे भी हो मुझे वैसे ही पसंद हो। नील साहब, आपके घर से फोन। एक मिनट, मामा को कह दूं कि तुम मुझसे मिलने आए हो। मार खाओगे तुम। क्या बात है नील, क्या हुआ? तू घर जाना पड़ेगा अभी। कुछ बात है क्या? बोलो ना नील। तुम चलोगी मेरे साथ प्लीज? चलो। स्मॉल या बेटा, बिल्ली के साइज का कॉफी नहीं मिल रहा था। Don't
to the murmur of the cottonwood tree. Send me off forever, but I ask you please, don't mess me. Neil, you have to lose weight. Just turn me loose. Let me straddle my old saddle underneath the western skies. On my cayuse, let me wander over yonder till I see the mountain rise. I want to ride to the ridge where the west comes. No butter, no oil, no ice creams, no potatoes, no cakes, no sugar. Only boiled vegetables. Salads, beans, curds, and skim milk. Any problems, Mr. Fernandez? Good. So, Mr. Fernandez, kal se aapki diet shuru. Okay? Best of luck. Thank you. Nahi ma, main sirf salads khaunga. Sirf salads? Kyun? Oh, I see. तुम कहीं डाइट तो नहीं कर रहे हो मामा प्लीज तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो हाँ मैं डाइट कर रहा हूँ पर क्यों बेटा तुम्हें डाइटिंग करने की क्या जरूरत पड़ गई जब से ये लड़की नील के पीछे पड़ी है तब से ये नील को बदलना चाहती है क्यों सिंड्रेला तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए मेरा नील जैसा है वैसा काफी नहीं है तुम्हारा नील काफी नहीं बहुत ज्यादा है और वैसे भी तुम ऋतु पर क्यों चिल्ला रही हो ये डिसीजन मेरी थी तुम डिसीजन कब से लेने लगे और इतने बड़े हो गए हो आज नील कि अपनी मम्मा को पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ी तुमको आई एम टेलिंग यू नील ये लड़की तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहती है इसलिए ये डाइट की मुझे इस डाइट की जरूरत है डाइटिशियन भी कह रही है कि हम जैसे लोगों की ये हालत इसलिए होती है क्योंकि बचपन से हमारी ईटिंग हैबिट गलत है ओ तो डाइटिशियन तुम्हें ये कहती है कि तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें ठीक से पाला नहीं तुम्हें हमेशा गलत खाना खिलाया और ये मानने के लिए तुम तैयार हो मामा बॉटम लाइन ये है कि मैं मोटा हूँ नो लव यू आर ब्यूटिफुल आई एम नॉट आई एम फैट योर फैट आंटी सेरा फैट क्रिस्टन बॉम फैट अंकल बिली वाज फैट वी आर ऑल फैट हम वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है जो कहीं भी अपना सर उठाकर जा सकते हैं जहाँ लोग उन्हें पलट पलट कर अजीब नजरों से नहीं देखते जहाँ लोग उनका मजाक नहीं उड़ाते दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है मामा द फैट वर्ल्ड एंड द थिन वर्ल्ड दैट इज नॉट ब्यूटिफुल आई डोंट वांट टू बी फैट एनीमोर सूप काफी अच्छा है ना रितु तुम और कुछ क्यों नहीं ऑर्डर कर लेती सीरियसली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम यार इट्स ओके मुझे सूप काफी पसंद है नील परसों यहाँ दिल्ली से फोन आया था वो मुझसे आखिरी बार पूछना चाहते थे कि मैं रोहित से शादी करूंगी या नहीं तो मैंने कहा कि मैं रोहित से ही शादी करूंगी नील हाँ हाँ दैट्स गुड यार तो मैं रोहित से शादी कर लूँ क्या एग्जैक्टली तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे मैं सुन रहा था वो बस नील मैं तुम्हारे लिए एक आइसक्रीम ऑर्डर करूं तुम्हारा जीतना चाह रहा है तो खा लो ना क्यों सजा दे रहे हो अपने आप को मुझे बुरा लगता है ऐसी बात नहीं है रितु मैं डाइट कर सकता हूँ करूंगा आई हैव द विल पावर ट्रस्ट मी मैं तुम्हें वेट लूज करके दिखाऊंगा तुम मुझ पर इस तरह तरस क्यों खा रही हो अगर मुझे भी किसी चीज से मना किया जाए जो मुझे पसंद हो तो मुझे भी प्रॉब्लम होगी तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो एक आइसक्रीम खा दो रोज तो नहीं खाते ना नहीं मैंने तुमसे वादा किया था देखो नहीं अगर ये सब तुम अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो तो ठीक है लेकिन तुम्हें मेरी वजह से ये सब करने की कोई जरूरत नहीं क्या क्या कहा तुमने How could you say that, Ritu? ये जो मैं डाइट कर रहा हूँ वेट लूज करने की कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम पतली हो जब हम रस्ते पर चलते हैं या किसी रेस्टोरेंट में साथ साथ घुसते हैं तो लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं हंसी उड़ाते हैं क्योंकि तुम पतली हो तुम्हारे माँ बाप मुझे पसंद नहीं करते इसलिए नहीं कि मैं कोई बुरा आदमी हूँ बल्कि इसलिए मैं उनकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ जो पतली है ओ, तो तुम्हें सारी गलतियां मुझ में नजर आती हैं। उन लोगों के हंसने या देखने पर नहीं अगर तुम्हें मेरे पतले होने से इतनी प्रॉब्लम थी तो मुझसे प्यार ही क्यों किया था मुझे नहीं पता बैठ जाओ रितु डोंट मेक अ सीन तुम्हें डाइट करना हो या जो भी करना मुझे उसमें इन्वॉल्व मत करना
और मुझसे कभी बात भी मत करना, समझे? ठीक है, चली जाओ। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता? Let me tell you, मुझ में अब भी काफी सेल्फ रिस्पेक्ट है और तुम्हारी सिंपति के बिना भी मेरी जिंदगी चल सकती है। एक बात समझ लो, मैंने तुमसे कभी सिंपति नहीं जताई, सिर्फ प्यार किया है। सिंपति तो तुम ही करते हो अपने साथ और उससे तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट का पता नहीं चलता। पहली बार मुझे महसूस हो रहा है कि मैं पतला हो रहा हूँ, कि मैं पतला हो सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, अब मैं चलता हूँ, मुझे किसी से मिलना है। अच्छी बात। बाय बाय, हैव फन। हेलो हेलो, ये हेलो ऋतु है? नहीं जी, वो दिल्ली गई थी पूरी फैमिली के साथ। दिल्ली? शादी है ना दिल्ली में। शादी? रोहित? वेलकम होम, क्या वक्त है घर आने का? कोई जवाब नहीं, वेरी गुड। चाहे मैं जितना भी चिल्लाऊं तो क्या कोई रिस्पॉन्स नहीं? थैंक यू, तुम्हें इतने प्यार से पालने का बदला बहुत अच्छी तरह से दे रहे हो। नील, आर यू लिसनिंग टू मी? गॉन मामा, तू मुझे छोड़ के चली गई, मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें याद है नहीं, तुम छोटे से थे, कैसे मम्मा का हेलो। हाय नील, कल तुमने मुझे फोन किया था। रितु, तुम कहाँ चली गई थी? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम दिल्ली जा रही हो? हम लोग बातें जो नहीं कर रहे थे, वैसे मैं तुम्हें बताकर तो जाना चाहती थी, लेकिन तुमने भी मुझे उस दिन के बाद फोन ही नहीं किया। और मैंने भी जिद पकड़ ली कि जब तक तुम मुझे फोन नहीं करते मैं भी तुम्हें फोन नहीं करूंगी। लेकिन रितु, तुम ही ने तो मुझे बात करने से मना किया था। मना किया था, मानने को तो नहीं कहा था ना। एनीवे,
जानती हूँ, I lost 7 kgs. What? 7 kgs? That's great, Neil. बस एक ही प्रॉब्लम है, जब मैंने सुना कि तुम दिल्ली चली गई हो शादी के लिए, तो मैंने सोचा कि तुम रोहित से शादी कर रही हो. क्या? मैं तो सिर्फ रोहित की शादी के लिए गई थी. Well, anyway, तुम्हारे गम में मैंने बहुत खा लिया, अब शायद मुझ पर 10 किलो और चढ़ गए हैं. गॉड, नील तुम बिल्कुल पागल हो. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मोटे हो या पतले, और इस टॉपिक पर हम दोबारा कभी नहीं लड़ेंगे. Is that clear? Yes, ma'am. अच्छा मुझे जल्दी बताओ तुम मुझे कब और कहाँ मिल रहे हो. These questions, इनकी शादियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं कि हमने भी मना नहीं किया. आखिर तो खुश है और उसकी खुशी में अपनी खुशी भाई. Of course, वेडिंग सेरेमनी के बाद हमने भी एक पंजाबी स्टाइल में रिसेप्शन रखवाया. After all, मेहंदी बिना क्या शादी. Of course. Well, I guess marriages are made in heaven, men. ऋतु और मामा की इतनी अच्छी बनेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था. यहां तक कि ऋतु के जिद करने पर मामा ने ड्रिंक्स और सिगरेट्स भी छोड़ दी. कैन यू बिलीव दैट? बच्चे के आने के बाद, बाय द वे, वी हैड अ बेबी बॉय. हां तो उसके आने के बाद ऋतु ने अपनी नौकरी छोड़ दी. अब वो कुछ और कर रही है एंड शी इज हैप्पी विद हर जॉब. और फिर इस पर बटर लगाइए. तंदूर पर धीरे धीरे इसे बुने जब तक ये गोल्डन ना हो जाए. और 10 मिनट में आपकी बारबेक्यू फिश तैयार. सो सी यू नेक्स्ट वीक. टिल देन, ईट वेल एंड बी हैप्पी. बाय. कट इट एंड पैक अप. गुड जॉब सर. थैंक्स. बाय सर. बाय. बाय बाय.